नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं ओम प्रकाश। क्रिकेट तो जगत के लिए एक स्तब्ध कर देने वाली खबर है और ये शोक संतृप्त बना देने वाली खबर है। ये कहते हुए बड़ा मुझे भी शोक हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और फास्ट बॉलर वॉव विलिस अब हमारे बीच नहीं रहे। वॉव विलिस का आज निधन हो गया और वो 70 वर्ष के थे। वॉव विलिस की अगर बात की जाए तो हम जैसे ही वॉव विलिस का नाम लेते हैं तो इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाजों में उनका नाम शुमार किया जाता है। वॉव विलिस ने इंग्लैंड के लिए 90 टेस्ट मैच खेले जिनमें उन्होंने 325 विकेट हासिल किए। मौजूदा समय में अगर इंग्लैंड की तरफ से विकेट लेने वाले गेंदबाजों को देखा जाए, जहां तक कि टेस्ट क्रिकेट की बात है, तो अब भी वो इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाजों में चौथी पायदान पर हैं। उनसे ज्यादा विकेट जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और यंग बॉथम ने लिए हैं। तो इस तरह से 325 विकेटों के साथ आज भी वॉव विलिस चौथे नंबर पर काबिज हैं। अगर वनडे मैचों की बात की जाए तो वॉव विलिस ने 64 वनडे मैचों में इंग्लैंड टीम का प्रतिनिधित्व किया और उसमें उन्होंने 80 विकेट लिए और 11 रन पर 4 विकेट हासिल करना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वनडे में रहा। और अगर यहीं पर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट में उन्होंने 43 रन पर 8 विकेट लिए थे। और जरा स्मरण कीजिए, जो हेनिंगले लीड्स में टेस्ट मैच खेला गया था और जो बॉथम एशेज के नाम से जिस सीरीज को जाना गया था, उस हेनिंगले टेस्ट मैच में उन्होंने ये करिश्माई प्रदर्शन किया था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 43 रन पर 8 विकेट लिए थे। और जहां तक कि वॉव विलिस की बात है तो वो एक इंग्लैंड के बेहतरीन गेंदबाज रहे अपने समय में। उनका शुमार सबसे सफल गेंदबाजों में किया जाता रहा। और इसके अलावा अगर उनकी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर देखा जाए तो उन्होंने उनके नाम 899 विकेट दर्ज हैं। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस आला दर्जे के बॉलर थे। अपने करियर के दौरान वो सबसे सफल गेंदबाज रहे और बड़ा उनका नाम था, लेकिन एक बात और थी कि जब वो अपने क्रिकेट करियर के उफान पर थे, जब वो सफलता दर सफलता उनको प्राप्त हो रही थी, तो एक बार उनका नाम बॉल टेम्परिंग में भी आया था। वॉव विलिस की अगर बात की जाए तो जब 1977 में भारतीय टीम भारत के दौरे पर जब इंग्लैंड की टीम आई थी तो चेन्नई में जो टेस्ट मैच खेला गया था उसमें वॉव विलिस ने बॉल टेम्परिंग की थी। और ये बॉल टेम्परिंग की अगर माना जाए तो सबसे पहली घटना थी। बॉल टेम्परिंग की उस घटना में वॉव विलिस ने बॉलिंग के दौरान जो गेंद थी उस पर वैसलीन लगाई थी और उन्होंने इस काम को अंजाम अपने साथी बॉलर जॉन लीवर के साथ किया था। और तो वो बॉल टेम्परिंग की पहली घटना मानी जाती है। तो कुल मिलाकर अगर वॉव विलिस की बात की जाए तो उनके निधन पर क्रिकेट जगत बिल्कुल शोकाकुल है, शोक संतृप्त हो गया है। और लॉर्ड्स की तरफ, जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, होम ऑफ क्रिकेट जिसे कहा जाता है, वहां के अगर ट्विटर पर नजर डाली जाए तो उसमें यह कहा गया है कि वो विलिस 3 बार अब उनका नाम लॉर्ड्स में जो ऑनर बोर्ड है उस पर लिखा गया है, यानी उन्होंने 3 बार लॉर्ड्स के मैदान पर 5 या उससे अधिक विकेट लिए थे और इसी के चलते उनका नाम 3 बार लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर लिखा गया है। तो फिलहाल क्रिकेट के किसी भी तरह के समाचार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आते रहिए। फिलहाल इन खबर की तरफ से इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।